हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है। दोस्तों, खबर सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो पर बने रहें। बुरी खबर है, सेनावर्ती कर्मचारियों की मेहनत की रकम को लेकर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फरार लोगों ने कराए मुकदमे दर्ज। अजमेर की यह खबर, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों पर अजमेर में 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं। यह मुकदमे अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या 1 योगिता पारिक ने पीड़ित लोगों को द्वारा शिकायत पर कोतवाली थाने में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अरविंद मीणा ने बताया कि रेलवे में सेनावृत्ति कर्मचारियों ने अपनी मेहनत की रकम सेनावृत्ति के बाद गुजर बसर करने के लिए आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में जमा कराई थी। 8 परिवादियों के लगभग 72 लाख रुपये सोसाइटी जमा कराए गए थे, जिन्हें लेने के लिए जब परिवादी पहुंचे तो दफ्तर नहीं मिला। इस पर उन्होंने धोखाधड़ी की शिकायत देते हुए न्यायालय में राहत की मांग की। प्रकरण के अनुसार पीड़ित सुरेश वर्मा ने 2.5 लाख रुपए, महेंद्र वर्मा के 2.5 लाख, राखी सिंह के 3 लाख 20 हज़ार, पुष्पा भाटी के 3 लाख 50 हज़ार, मदन भाटी के 4 लाख 20 हज़ार, जितेंद्र टेक चंदानी के 1 लाख 20 हज़ार, श्रवण शर्मा के 5 लाख, देवकी नंदन के 5 लाख एफडी कराई थी। प्रीतो के अनुसार क्रेडिट सोसाइटी ने उनके पैसे सुरक्षित करने का जिम्मा लिया था, इसके बावजूद भी वह अपना ऑफिस बंद कर फरार हो गए। ऐसे में सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, सभी ने न्यायालय में राहत देने की मांग की है। आपको बता दें कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अब तक 47 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपये लोगों कंपनी में जमा किए गए थे। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको न्यूज चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।